Hello friends, today I am going to discuss intellectual property rights. Intellectual property rights is created as a result of intellectual creative efforts or commercial reputation and goodwill. In second definition or other another way, intellectual property is a product of your own mind which gives you name, fame, prosperity and reputation. It is similar to property consisting of movable or immovable property, which can be used by the owner alone and not lawfully by others without owner's permissions. मतलब इसका जो वह है कि एक बौद्धिक संपदा वो संपदा है जो कि आपके मस्तिष्क की देन है और जिसको कि कोई और उपयोग नहीं कर सकता है. नियमतः जब वो उपयोग करेगा तो बगैर आपके ऑर्डर्स, बगैर आपके अनुमति के वो उस चीज़ को यूज नहीं कर सकता है. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज़ द क्रिएशन ऑफ योर ओन माइंड. अगर हम बात करें वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द एकदम और एक डेफिनेशन थी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज दैट द अराइज फ्रॉम ह्यूमन इंटेलेक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएशन. ये एक जो भी आपके मन में कोई ऐसी क्रिएटिविटी है जिससे कि दुनिया की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है और जिस प्रॉब्लम को सॉल्व होने से कोई मानव का वेलफेयर आता हो, तो वहाँ पे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बहुत बड़ा महत्व है. आजकल छोटी छोटी चीज़ों में जो हम अगर देखते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को हम अगर इनोवेशन करते हैं तो भी एक हिस्सा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का. अगर हम एक इसके लिए एक जो है एक इंटरनेशनल एक एजेंसी बनी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम वाइपो कहते हैं, उसने एक डेफिनेशन दी है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू अ क्रिएशन ऑफ द माइंड, इन्वेंशन लिटरली एंड आर्टिस्टिक वर्क्स एंड सिंबल्स, नेम, इमेज, डिजाइन यूज इन कॉमर्स. द वाइपो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो इसको डिफाइन किया है कि आपने कोई भी ऐसा काम किया है जिससे कि एक कमर्शियल लेवल पे उसका यूज होता है, चाहे वो लिटरेचर हो, आर्टिस्टिक वर्क हो, सिंबल्स हो, नेम हो, इमेजेस हो और डिज़ाइंस हो. यदि उन डिज़ाइन से जो है हमारा उसका कमर्शियल यूज होता है तो वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आता है. हम एक और डेफिनेशन देखें.